चावल के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता बनने वाला है आज। तो इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। और साथ में फिर हम बताएंगे कुछ अमेजिंग सा किचन टिप्स। तो फिर चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। 500 ग्राम हम चावल का आटा ले लेंगे और ये बस इसका हम क्या करेंगे, आटा जो लगाएंगे तो सबसे पहले हम पानी बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह का नाश्ता बनाएंगे तो पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक कटोरी आटा लेते हैं तो एक कटोरी ही हम पानी को बॉईल करेंगे, और थोड़ा ज़्यादा ही पानी रहेगा तो फिर हम इसको थोड़ा सा निकाल के रखेंगे, बाद में देखेंगे जो ये सूख रहा है तो उसमें हम फिर डाल देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, एक कटोरी मैंने आटा लिया तो एक कटोरी पानी डाला, और फिर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो बस आटा अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप देखिए हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है, जो देखिए इस तरीके से इसका बॉल सा बन रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से पक गया है और मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, जो कुछ देर ये भाप से भी बहुत अच्छे से पक जाएगा, और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा 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 करके इसे हम मिला करके देखते हैं। तो बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया है, तो इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। अगर थोड़ा सा पानी लगेगा तो हम ठंडा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लेंगे। आप इस तरीके से इसे इसका आटा लगा लीजिए, और इसको थोड़ा सा और हम इसको सॉफ्ट करेंगे। ये जितना सॉफ्ट रहेगा तो नाश्ता उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आप इसका एक बॉल सा बना करके देखिए, अगर किनारे से फट रहा होगा तो फिर थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ेगा, अगर नहीं फट रहा है तो ये अच्छे से मिल गया है। अब इसे इसे रखना नहीं, ऐसा नहीं है कि आटा लगा करके और हम इसे 10 मिनट 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं करना है। बस आप आटा मिलाइए और इसका नाश्ता बनाना शुरू कर दीजिए। तो अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से गोल करेंगे, जिससे ये देखिए एकदम से सॉफ्ट हो रहा है और किनारा जो है इसका बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। आप देख सकते हैं कि किनारे बिल्कुल भी नहीं फटा है। इसका मतलब है कि मैंने जो गर्म पानी में आटा मिलाया था तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट था। जो जितना मैंने आटा लिया उतना ही पानी डाला तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आपको पानी ज़्यादा लगे, आटा अच्छे से मिलाएंगे तभी ये जो रोटी है, चावल की रोटी आज बनेगी। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम बस पानी का हमें ध्यान रखना है। तो मैंने सारी रोटी तैयार कर लिए, और एक भी रोटी पतली पतली रोटी बनी है, एक भी रोटी का किनारा जो है सो बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो मेरा आटा बहुत अच्छे तरीके से लगा है। तो बस स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा तो रोटी आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी, और ये रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए इतना सारी रोटी मैंने तैयार कर लिया है, तो अब चलेंगे गैस की तरफ। तो मेन बात क्या होता है कि आप अगर लोहे के तवा पे से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनेगा और क्रिस्पी भी रहेगा। ऊपर से आपको सॉफ्ट क्रिस्पी रहेगा और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो अगर आप लोहे के तवा पे है तो बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, अगर नहीं है तो आप किसी भी तवा पे बना सकते हैं। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और इसमें आप या तो घी भी लगा सकते हैं या रिफाइंड भी लगा सकते हैं, पर सरसों के तेल में इसका टेस्ट जो आता है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बारी सरसों के तेल में भी बना करके देखिएगा, इससे इसका थोड़ा सा कलर भी येलो येलो आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो इस तरीके से आप देखिए ये बहुत ही ऊपर से एकदम से क्रिस्पी बन जाता है। तो इस तरीके से हम सारे पराठे या रोटी जो भी बोलिए उसे हम तैयार कर लेंगे, और बस सरसों के तेल लगाते जाएंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे या मीडियम फ्लेम पर इसे हम
लगाएंगे। ज़्यादा तेल लगाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम लगाएंगे और अच्छे से हम दोनों तरफ से पलट के सेक लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपने तो बहुत सारे नाश्ते बनाए होंगे, मगर एक बार इस तरीके से बना करके देखिए, ये वाला नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके साथ अगर आप आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं या बैंगन की सब्ज़ी, मुझे तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इसके साथ मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लो फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे और इस तरीके से सारे पराठे हम बना लेंगे। और ये सारे पराठे बनके तैयार है, जो आप देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। क्या होता है, अगर आप आटा जो मिलाते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर आप अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो फिर रोटी इतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। क्या होगा, किनारा भी फट जाएगा, मिलाने में भी अच्छा नहीं, इतनी पतली पतली भी नहीं बनेगी। तो बस वही, जिस समय हम आटा मिलाते हैं उस समय हमको ध्यान रखना होता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है इसे बनाने में। और ये देखिए कितने सॉफ्ट है, और ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी लगता है ये खाने में। तो ये सारा रोटी बनके तैयार है। तो अब हम इसका प्लेटिंग करते हैं, तो इसके लिए मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। तो ये एंजॉय करिए चावल के आटे की रोटी या पराठा सब्जी के साथ। तो अब हम इसे, और आज के किचन टिप्स है कि लहसुन की पत्तियों से पकौड़े में नया फ्लेवर आता है, तो इसमें हम लहसुन की कलियों को भी बारीक काट काट कर मिला सकते हैं। जो लहसुन के जो हम पकौड़े बनाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो लहसुन की पत्ती के साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा लहसुन भी काट के दे देंगे, तो पकौड़े का टेस्ट जो है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जब भी हम फ्रिटर्स बनाते हैं, तो अगर हम उसमें चावल का आटा मिला दें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, कुरकुरापन जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। जब किसी भी चीज़ का फ्रिटर्स बनाइए, तो उसमें अगर आप चावल के आटे थोड़ा सा भी डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। पालक या सलाद के पत्ते का इस्तेमाल करने से सैंडविच का जो है ना, स्वाद तो आता ही है, और साथ में सेहत का बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो जब भी आप ये सैंडविच बनाइए, तो पालक, पुदीना, धनिया पत्ती ये सब मिला देंगे, तो स्वाद भी बढ़ जाएगा और सेहतमंद भी रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। फिर खाइए पीजिए, मस्त रहिए और मेरी रेसिपी को ट्राई करते रहिए। बाय।